डियर फ्रेंड्स, 1989 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये वो टूर था जहां महज 15.5 साल के एक यंग लड़के, घुंघरालू बाल वाले यंग लड़के ने अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, वो भी उस पाकिस्तान टीम के खिलाफ जहां खूंखार से खूंखार खिलाड़ी भरे हुए थे। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, जावेद, ये सब ऐसे खूंखार बॉलर थे, 6-6 फीट हाइट वाले, गेंदबाजी करते थे 150-160-165 की स्पीड में। जब ये बॉल करते थे ऐसा लगता था बादलों के ऊपर से गेंद आ रही है, और जब वकार यूनस बॉलिंग करते थे उस वक्त तो ऐसा लगता था कि धरती थरथर कांप रही है। उस टीम के खिलाफ सचिन, रमेश तेंदुलकर में 15.5 साल के लड़के ने अपना डेब्यू किया। उस टूर पे सचिन तेंदुलकर ने पहले टेस्ट में 0 स्कोर किया था, दूसरे टेस्ट में 12 और तीसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, चौथे टेस्ट में उनको वापस लिया गया, और चौथा टेस्ट का 5वां दिन जब इंडिया बहुत पैथेटिक सिचुएशन में थी, 22 रन में 4 विकेट गिर चुके थे, सारे दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री सब आउट होकर पेविलियन जा चुके, उस वक्त रनिंग एंड में नवजोत सिंह सिद्धू खड़े थे, और नवजोत सिंह सिद्धू ने देखा महज एक 15.5 साल का घुंघरालू बाल वाला एक यंग लड़का पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में आ गया। सिद्धू को लगा आज तो ये लड़का गया, आज तो यह मर जाएगा, ये इनको नहीं खेल पाए, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से आ रही थी, पिच भी ऐसी थी जहां बहुत ज्यादा ग्रास था, इतने बड़े बड़े घास थे, समझ में नहीं आता था कि मैदान कौन सा और पिच कौन सा, कितनी घास थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ी पैथेटिक सिचुएशन। वकार यूनस की पहली गेंद तकरीबन 150-160 की स्पीड की बॉल जूम से निकल गई, सचिन को समझ नहीं आया, जूम से निकल गई, नॉन स्ट्राइक एंड में नवजोत सिंह सिद्धू को लगा बच गया लड़का, लेकिन अब और नहीं बच पाए। अगली गेंद एक तीखी बाउंसर आती और खट से सचिन तेंदुलकर के नाक पे लगती है, खून खून निकलना शुरू, पूरी शर्ट में खून, ग्लव में खून, पैड में खून, शूज में खून, खून से लथपथ हो जाते, डर जाते नवजोत सिंह सिद्धू देखकर, भागते भागते नवजोत सिंह सिद्धू आते उनके पास, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स आते हैं, और कुछ ही देर में वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाते हैं, और उन दिनों उपचार के लिए कुछ ज्यादा व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, सेरेडॉन की गोली और बर्फ की सिल्ली, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, बर्फ की सिल्ली लगाता है सर पे, सेरेडॉन की गोली देता है, और तब नवजोत सिंह सिद्धू सचिन तेंदुलकर से कहते हैं कि रिटायर्ड हट हो जाओ, चले जाओ, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना, इनका जो स्पैन है फास्ट बॉलरों का ये खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद स्पिनर्स आएंगे तब तुम आ जाना। फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कहा सचिन तेंदुलकर को चलिए आप, और जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू वापस दूसरे एंड में जा रहे थे तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ चैंपियन, मैं खेलेगा। क्रिकेट इज वन ऑफ द गेम जहां फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम मिलता है बॉल को जज करने के लिए, हिट करने के लिए, 150-160 की गति से बॉल आ रही है, और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां बॉल पिच होती है। सचिन ने कहा नवजोत सिंह सिद्धू को जाकर कि सिद्धू इज्जत बचानी है, देश की इज्जत आज खतरे में है, किसी भी तरह इस मैच को बचाना है, जान लगा देंगे, जी जान लगाकर खेलेंगे, पूरे दम लगा के खेलेंगे। अगली गेंद वकार यूनस की एक तेज तीखी यॉर्कर तकरीबन 155-160 की स्पीड सचिन तेंदुलकर खट से मारते हैं और सीधा बॉल बाउंड्री में जाती है, पूरा स्टेडियम खड़े होकर ताली बजाना शुरू कर देता है। 15.5 साल का लड़का उस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनस को 2 बाउंड्री मारी, 2 चौके मारे। उन दिनों वकार यूनस जैसे खूंखार बॉलर की आंखों में आंखें डालना भी बहुत बड़ी बात थी, शॉट मारते सचिन तेंदुलकर ने, सचिन रमेश तेंदुलकर ने वकार यूनस की आंखों में आंखें डाल के, This is called the attitude of champion. Champion वो होता है जो हर एक स्थिति में बाउंस बैक करने को तैयार होता है। उसी दिन the god of cricket का जन्म हो चुका है। उस मैच को सचिन तेंदुलकर ने बचाया भी, सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टनरशिप ने उस मैच को ड्रॉ करा दिया, जहां किसी को उम्मीद नहीं थी, जहां सबको एक टाइम पे लगा था कि इंडिया मैच हारने वाला है, गई इंडिया, आज तो इंडिया गई,
उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने हाफ सेंचुरी मारी। ये होता है एटीट्यूड चैंपियन का। डियर फ्रेंड्स, चैंपियन वो होते हैं जो अपने लाइफ में हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति खराब से खराब क्यों ना हो, सर्कमटेंसेस खराब से खराब क्यों ना हो, ये वो होते हैं जो बाउंस बैक करने को तैयार रहते हैं। अगर ये छोटी सी, ये प्यारी सी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसको बार बार देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।